मंडे टू वेंसडे जितना मार्केट हिला था उसके बेसिस पे ये तो क्लैरिटी थी कि एक डायरेक्शन में जाके मार्केट क्लोज तो नहीं करने वाला है बजट के दिन, लेकिन ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये किसी भी इंट्राडे ट्रेडर ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि मार्केट 0.5% जितनी छोटी रेंज में फंस जाएगा ऑन इंटरिम बजट के दिन। ये बड़े इवेंट होते हैं, इन दिनों मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल तो होता ही है, बट आज मार्केट के ऊपर या नीचे कहीं ना जाने का कारण एक ही चीज समझ में आती है कि आज जितना भी पैसा लगा, जितनी भी छोटी मोटी वोलेटिलिटी हुई थी, वो रिटेल इन्वेस्टर्स रिटेल ट्रेडर्स के कारण हुई थी, कोई भी बड़ा पैसा ऊपर नीचे ज्यादा मात्रा में आज नहीं लगा। और पिछले मंडे ट्यूसडे और वेंसडे के दिन मार्केट जितना हिला था उससे ये भी समझ में आता है कि ओवरऑल इंटरिम बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट होने हैं, वो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को, वो कहीं ना कहीं से जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़े पैसा लगाने वाले लोग हैं, जो हेज फंड्स के मैनेजर्स हैं, उनमें एक जानकारी पहुंच गई थी कि मार्केट में किस तरीके के प्रभाव पड़ सकते हैं बजट के अनाउंसमेंट से रिलेटेड। और बजट में जो जो अनाउंसमेंट होना था उसको कहीं ना कहीं ऑलरेडी मंडे ट्यूसडे और वेंसडे के दिन इंक्लूड कर लिया गया था, इसीलिए मार्केट 2.5% हिल रहा था। क्योंकि 2.5% हिल रहा था तो एंटिसिपेशन ये जरूर था कि मार्केट एक डायरेक्शन में क्लोजिंग शायद ना दे पाए, लेकिन मार्केट में कतई एक दिन का भी वोलेटिलिटी और मोमेंटम नहीं आएगा ये एंटिसिपेशन नहीं था। तो सीखने को समझने को ये मिलता है कि बजट के पहले अगर मार्केट बहुत ज्यादा हिल चुका है तो इसका मतलब है बिग इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स इनसाइडर ट्रेडिंग कर चुके हैं, उन्हें जो पोजीशन बनानी थी, उन्हें जहां पैसे इन्वेस्ट करने थे वो कर चुके हैं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स रिटेल इन्वेस्टर्स टीवी पे देख के सोचेंगे कि अब मार्केट हिलेगा, अब मार्केट में सारी अनाउंसमेंट कंसेप्चुअलाइज होके मार्केट ऊपर या नीचे कहीं निकलेगा, वो आज हुआ नहीं। समझ में यही आता है कि ओवरऑल जो बड़े प्लेयर्स थे उनको पहले से जानकारी थी और वो पहले से पैसा लगा चुके थे जहां भी उन्हें लगाना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि रेलवे के स्टॉक्स पिछले 15 दिनों से चढ़ रहे थे, बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, और बजट में अनाउंसमेंट आज हो रहा है कि कॉरिडोर बनाएंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा रेलवेज को लेके। अगर आप रेलवेज के स्टॉक को आज देख लीजिए तो 1.5% 1% गिरे ही हुए मिलेंगे, कहीं भी ऊपर चढ़े हुए नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यही बात है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुकी थी, पंप कर दिया जा चुका था, लोगों को पहले से पता था कि मार्केट में ये बजट में ये अनाउंसमेंट होने वाला है, ऑलरेडी चीजें इंक्लूडेड हो चुकी थी, पता चल चुकी थी, हम जैसे लोगों को नहीं पता चलती। तो यही कारण था कि ऑलरेडी जो भारी जो बड़ा पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी चीजें पता थी, उन्हें पता चलने के बाद देवर वेरी क्लियर कि रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर कहाँ कैसे कब ट्रेड लेगा। अगर आज आप जीरो हीरो जैसा कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश करते तो आपका पैसा बहुत ज्यादा चला गया होगा, होता, इसीलिए मैं कहता हूं कि जीरो हीरो ट्रेड भी मत लिया कीजिए, कितना भी बड़ा इवेंट हो कितना भी बड़ा एक्सपायरी हो मत लिया कीजिए, क्योंकि आपसे समझदार लोग और आपसे ज्यादा जानकार लोग मार्केट में बैठे हुए हैं, जानकारी दिखती है मंडे ट्यूसडे वेंसडे के दिन, जितना भी इंक्लूजन होना था न्यूज का वो ऑलरेडी हो चुका था। हम जैसे लोग बस ये सोचते रह गए कि मार्केट कब ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा, तो मोमेंटम के साथ ट्रेड लिया जा सकता, लेकिन मोमेंटम आया ही नहीं, हमें ट्रेड मिला ही नहीं, ऑप्शन बाई के होते तो धीरे धीरे थीटा डी के खा के बैठे ही हुए होते, लॉस में ही रहते। तो ध्यान रखिए कि मार्केट अगर बजट के पहले या किसी भी बड़े इवेंट के पहले ऑलरेडी वोलेटाइल बड़े मात्रा में हो चुका है, मतलब रिजल्ट कहीं ना कहीं लोगों को पता है, क्या अनाउंसमेंट होनी है वो लोगों को पता है, इनसाइडर तौर पे उन लोगों को पता है और वो ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं, हम जैसे लोगों की तरह वेट नहीं कर रहे, रिटेलर्स की तरह वेट नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि पहले पैसा लग चुका था इसीलिए मार्केट हिला नहीं।